अवैध नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद। महाराजगंज सोनौली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रहे मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रभारी निरीक्षक सोनौली मनोज कुमार राय के नेतृत्व में गठित टीम तथा SSB की संयुक्त टीम द्वारा विगत कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार गाढ़ाबंदी नाकाबंदी की जा रही है। और क्या कार्रवाई की गई? देखिए, कल जनपद महाराजगंज में 3 थानों की टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें साथ में वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर और CO साहबान का पर्यवेक्षण भी रहा लगातार, और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को तस्करी किया करते थे या आसपास के बॉर्डर के क्षेत्रों में जिसकी सप्लाई किया करते थे। ये 3 अभियुक्त हैं राजापुरी पुत्र मोहनलाल पुरी, शैलेश तिवारी और उपेंद्र सिंह, और इस पूरे ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स मिले हैं जिसमें क्रैक जैक, निट्रावेट, टैबीन, फिनार्गन, डाइजेपाम और इनके इंजेक्शन और इनके टैबलेट्स मिले हैं, और इन तीनों का काफ़ी आपराधिक इतिहास भी रहा है जिसमें से एक व्यक्ति पूर्व में दहेज हत्या और गैंगस्टर जैसे संगीन अपराधों में भी जेल जा चुके हैं और एक फर्जी नोट में भी जेल जा चुका है। इसमें तो इन तीनों के विरुद्ध कार्रवाई आज बड़े पैमाने पर की गई है और अब भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह का ये गिरोह है, कैसे काम करता था, ये कहाँ भेजता था लेकर? देखिए, इस पूरे ऑपरेशन की खास बात ये रही है कि पहली बार जो है हमने इसमें प्रयास किया है कि सिर्फ पेडलर को या सप्लायर को ना पकड़ा जाए, उसके बैकवर्ड लिंकेजेस को भी स्थापित किया गया है। एक इसमें जो शैलेश तिवारी उसके बारे में बता दें कि झोला छाप डॉक्टर है और ये दवाई सप्लाई करते थे, और उपेंद्र सिंह इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका एक मेडिकल स्टोर था और मेडिकल स्टोर से हटा के इन्होंने अपने घर के क्षेत्र में वहाँ पर ही इन्होंने सारी दवाइयाँ रखी थी जहाँ से सारी की सारी बरामदगी की गई है। तो ये जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, इसके नेक्सस को तोड़ने का ये पूरा प्रयास महाराज पुलिस द्वारा किया। सर, कहाँ ये सप्लाई करते थे, किस तरीके से इनका रैकेट था, इस पर अभी गहनता से पूछताछ जारी है कि किन किन जगहों पर ये सप्लाई किया करते थे और बॉर्डर के क्षेत्रों में इस प्रकार की जो भी गतिविधियाँ हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाने के लिए गहनता से जाँच और विवेचना में सारी चीज़ें। सर, नेपाल की बात आ रही है कि इनको ये नेपाल में सप्लाई करते थे, इसके अलावा गौशाले से बरामद हुई है, क्या? देखिए, अभी कहां सप्लाई किया करते थे ये विवेचना में गहनता से आएगी, और इन्हीं के जहां पे ये भूसा रखा करते थे अपने घर के अंदर उसी के नीचे इन्होंने इस सबको दबा के रखा था, तो ये सारा का सारा वहां से बरामद किया गया है और अब ये सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और मीडिया के माध्यम से जो भी इस प्रकार के फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के सप्लायर उनको भी एक क्लियर मैसेज महाराजगंज पुलिस देना चाहती है, इस प्रकार की चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी हमने जो ड्रग लाइसेंस इशू होती है उनसे भी अनुरोध किया है कि इस प्रकार के जो भी ब्लैकलिस्टेड हमारे ये ड्रग सप्लायर हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई इनकी तरफ से जारी रहे और ड्रग इंस्पेक्टर से लगातार सहयोग लेके इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहे। जिसके फलस्वरूप कल दिनांक 24/5/2022 को भारत नेपाल सीमा पर स्थित पिलर नंबर 517/1 से 50 मीटर अंदर भारतीय सीमा में स्कूटी से जा रहे एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका गया। सोनौली महाराजगंज से सरकार भानु प्रताप तिवारी की रिपोर्ट।